हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। कैसे हो आप लोग? अरे अरे, क्यों नहीं रोते? यू आर क्यूट बेबी, यू आर गुड बेबी, यू आर सुपर हिट बेबी हो ना आप। गंदे बच्चे नहीं बनते, नहीं बनते ना। इनकी मम्मा चली गई हैं वॉशरूम, तो ये रो रही हैं। आ जाओ, क्या चाहिए आपको बताओ, आ जाओ। तो गाइस, बाबू देखिए सोई हैं और उनको दूध पिलाना है। दूध देख के रो रही हैं कि मम्मा दूध लाई है ना, तो पहले से देख के रो रही हैं। चलो हम भी बैठ जाते हैं, बाबू भी बैठ जाती है। तो मैं और बाबू सब ने नहा लिया है, और आज कोमल की फ्रेंड आई थी तो वो भी चली गई, क्योंकि उनको जाना था मार्केट, और उनको लगा कि मेरा छुट्टी है तो हम लोग भी चलेंगे साथ में। लेकिन हमने बोला नहीं, मेरा अभी ऑफ नहीं है, क्योंकि पता है कि मेरे जो दोस्त हैं वो अभी गांव गए हुए हैं, तो अगर वो होते तो एक बार मैं उनके साथ जाता, बट वो नहीं हैं। और आएंगे कल परसों, तब देखते हैं क्या होता है। बाकी जो लोग चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को इन तक देखना। और गाइस, बहुत कुछ बातें हैं, मैं सोचता हूँ सब कुछ बातें भुला दूँ, अब अपनी एक नई लाइफ की तरफ शुरुआत करूँ। जो हुआ सो हुआ, अब जो कोई सफाई और क्या नहीं देना है, ठीक है। ज़्यादा हम अगर बातें बनाएंगे तो फिर ज़्यादा बात बढ़ेगी। इससे अच्छा है कि सोचते हैं कि यहीं कहीं बातें को दबा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्या इनको रील देखना है पापा मम्मा का, ये वाला अपनी आईडी? तो हमारी बेटू का आईडी है क्यूट अबिका के नाम से, 1285 फॉलोवर हैं। हम लोग इतना केयर नहीं करते हैं, तो जिनको नहीं पता है वो क्यूट अबिका 2407, मतलब पता है 24 जुलाई को पैदा हुई थी, तो इसलिए इनकी आईडी ये है क्यूट अबिका 2407। में उल्टा दिख रहा होगा, तो आप लोग फटाफट हमारी बेटू की आईडी को फॉलो कर लीजिए, और इनकी यूट्यूब भी आईडी है अबिका जायसवाल के नाम से, तो आप लोग वहाँ भी जाइए फॉलो कर लीजिए। क्या हुआ, चोट लग गया इनको? पता नहीं किसी ने चोट लग गया, तो वो बताती हूँ चोट लग गया। दिखाओ इधर, पापा बता दो कहाँ चोट लग गया। चोट लग गया, कोई बात नहीं, पापा भी किससे कर लेंगे, सही हो जाएगा। तो इनकी मम्मा भी देखिए यहाँ पे आ गई हैं। कपड़ा धुल गया, एक साइड का निकाल, मतलब एक बार का निकाल दिए। चलो अच्छा कियो, अच्छा कियो। तो हमने ब्लॉग में बोला है कि जो हुआ बहुत हुआ है, अब ज़्यादा हम बोलेंगे फिर ज़्यादा बात बढ़ेगी। इससे अच्छा होता है बात में जितना देर दो तब बात होगी, नहीं थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना चाहिए जीवन में, मैंने ये सीखा है। क्यों और क्या, थोड़ा रिश्ते बचाने के लिए झुकना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो हम लोग भैया झुक रहे हैं। और इनकी दोस्त चली गई, कोई बात नहीं, जो एक दिन आएगा तो भाई उसको तो अपने घर जाना भी होगा ना। मतलब जो आएगा, नहीं ये तो बात सच है, जो आएगा वो तो जाएगा ही, सही बात है। चाहे वो दुनिया में आए चाहे घर पे, हम लोग भी यहाँ आए हुए हैं, तो हम लोग भी यहाँ से जाएंगे ही, क्योंकि हम लोग अभी पता है घर सुनो पहले, वही तो मैं बोल रहा हूँ। घर देखो, लोग बोल रहे हैं कि बस बोलती है लेती नहीं है, दो साल से सुन रहे हैं। गाइस, हमने नोएडा सेक्टर 104 में देखा है, तो वहाँ पे मेरा विजिट रहे। मेरी बात सुनो, नहीं खरीद रहे हो रेंट पे लो, पर यहाँ से निकलो, हम तो कहेंगे यही। चलो यहाँ से हटो। मैं गाइस पता है, जब मेरी बेटू 6 महीने की थी, मैं इनसे तब से बोल रही हूँ, आज इनके सामने आप लोग को बोल रही हूँ, और आप लोग बोलेंगे कि मैं बस यूँ ही बोली कि वो 6 महीने की थी, बैठती नहीं थी, तब से मैं इनको बोली हूँ कि यहाँ से हटो, यहाँ से हटो, लेकिन नहीं, इनको नहीं हटना था। अब जान लेंगे ना, वहाँ लिफ्ट लगा रहेगा ताकि उनको चढ़ने उतरने में आसानी रहे। हम चढ़ लेंगे उतर लेंगे, बस यहाँ से हटो। ठीक है, हट जाएंगे भैया। तो भैया सही कह रही है यहाँ से, क्योंकि पता है जहाँ मैं जॉब करता हूँ ना गाइस, वहाँ से भी बहुत दूर पड़ता है। ठीक है, आ जाओ, चलो दूध पी लो। देखो नहीं, दूध पीने के नाम पे। तो मेरा भी समय हो रहा था ड्यूटी जाने का, तो हम इससे पहले तैयार होकर बैठे हुए हैं। पतली हो गई, पतले नहीं हुए, तुम्हारी आंखें कमजोर हुई है, कहाँ पतले हो गए? पतली नहीं, थोड़ा सा तो मोटी हो गई हो, पता नहीं क्यों। अरे मुझे पता है तुम साड़ी पतली लगती है, जो बाबा जी वाला कपड़ा पहनती हो ना, इसमें तुम लगती हो झोलमझाल। झोलमझाल मतलब मोटी। तो बाबू को लाइए टावल रखने के लिए, गले में लगाती है ताकि। तो इनको इनकी मम्मा ने दूध पिलाया है, और इतना तेज रो रहे थे, नहीं रोते ना, पापा लिए ना आपको, और फिर मेरे पास आके एकदम चिपक के लिपट गए मेरे से। तो पता है मैं पता इनका पैर पकड़ता हूँ, हाथ पकड़ता हूँ, तब जाके थोड़ा बहुत दूध पीती हैं,
और इतना घर में आतंक मचा देती है ना हमारी बिटिया रानी, मैं क्या बताऊं। जानते हैं कैसे पिलाते हैं। सही बात है, बहुत दम लगता है। तो इतना इतना छटपटाती है ना कि क्या बताऊं मैं। क्यों ऐसा करते हैं बाबू? ये जो मेरे हम तो कह रहे हैं, जो मेरे साथ हो रहा है, आप लोग बच्चा पैदा हो तुरंत बोतल लगा दो, नहीं तो मेरी तरह जिंदगी झंड हो जाएगी बच्चे को पालने में। बात सही है। तो गाइस मेरा कुछ बॉक्स आया, चलते हैं ओपन करते हैं। अच्छा बंद कर दें, इनका कह रहे भैया हमारा वीडियो मत बनाओ। अच्छा नहीं, क्या क्या हुआ? क्या ले लें? तो हाँ चलो गाइस, इनका कुछ पार्सल वगैरह आया है, दिखाते हैं क्या आया है। बहुत बढ़िया गांव से पार्सल आया है। क्या आया है भैया देखने की? तो हम मुझे तो पता है, लेकिन आप लोग को भी दिखाते हैं। मैंने मुझे पहले ही बता दिया था कि मैंने मंगाया है कुछ। लो शूट करो। चलो ठीक है। तो गाइस कोमल के मार्केट से ये 2 किलो नमकीन आया है। नमकीन कौन सा है? महाकाली दाल मोटा, जो कि बहुत फेमस है इनके मार्केट से। अब तो मैं कम कर रहा हूँ नमकीन वगैरह। पहले तो बहुत खाते थे वो बात अलग है, लेकिन अब कम कर दिया हूँ। क्यों? तो कोरियर होके आया है ये, तो बहुत ही अच्छा लगा। चलो थैंक यू आपके मायके वालों के, बहुत बहुत धन्यवाद। नींद में हो क्या? नींद में नहीं है यार, लग रहा है देख के नींद में हो। नेजी भाई हैं। हाँ भाई, हाँ मैं बोलना तो चाहता हूँ लेकिन मैं बोलता नहीं। हाँ भाई, 1 घंटे बाद मिलता हूँ आपसे भाई। बहुत अच्छा लगता है मुझे नेक जी का भाई का एक्टिंग बिग बॉस में, तो मैं इधर रखने आया था। अच्छा गिर गया ये। ओहो ओहो, हाय हाय, हाय हाय, ओए होए, आए पापा पापा को लगा दो, पापा को, पापा को लगा दो, पापा को लिपटी लगा दो। ओ मम्मा के, मम्मा को भी लगा दो। मम्मा को, मम्मा लगाई है इसीलिए। पापा को लगा दो, पापा को, मम्मा को लगा दो। अरे बाप रे बाप, मम्मा को। अच्छा अपना लगा दो। हाय पापा गाई, ये अपना लगा रही है। बाल बांधो भी तुम्हारा, मैंने बाल बांधा फिर तुमने खोल लिया यार। क्योंकि मैं जा रही थी तेल लगाने, सर दुख रहा है। तो गाइस मैं भी ड्यूटी निकलने वाला हूँ, और मैं सोच रही हूँ क्या बाल कटवा दूँ। क्या 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 मेरे ना बाल थोड़े से लग रहे लंबे हो रहे हैं, कटवा लो। अभी सावन बाल कटवाना, कटवा लो तो ना कटाओ, कटा लो तो ना कटाओ, कटा लो फिर ना कटाओ। बड़ा मजा आता है ये वाला वीडियो। आओ मेरे बाल बड़े हो गए, कटवा ले, कटवा लो। लेकिन मुझे छोटे बाल पसंद है। तो मत कटवाओ। नहीं मुझे लगता है कि बड़ों बाल का ट्रेंड है। तो मत कटवाओ। तो कटा लो बोलता है। तो कटा लो। नहीं लेकिन बड़े बाल में हेयर स्टाइल अच्छा बनता है। तो मत कटवाओ। तो कटवा लो। जाने तो बेहोश हो जाओगे। हाँ तो गाइस मैंने देखा था कल एक किट्टो का वीडियो की, उसमें बोले थे कि जब किसी के घर में शादी होता है तो उनके माँ बाप भाई का शौक होता है कि शादी हम अच्छे से करें। बात तो बिल्कुल सही है। क्या ये मुझे बोलने नहीं दे रही है? आ ले ले, आओ जा मम्मा पास जाओ। मेरे पास नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। जाओ, जाएगी क्यों नहीं जाएगी? तो सच सबका सपना होता है कि हम अपनी बहन का शादी बहुत अच्छे से करें। हाँ, और जिनके देखिए माँ बाप नहीं होते हैं उनके भाई भी बहुत अच्छे शादी करते हैं, और जिनके माँ बाप भाई होते हैं सब लोग मिलके अच्छे शादी करते हैं। तो ऐसे ही गाइस हमने भी अपनी बहन का शादी किया था। तो आप लोग बोल रहे थे कि जितना आपके भाई ने इतना सारा किया आप लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं गाइस, सब लोग करते हैं अपनी, चाहे बहन का हो चाहे बेटी का हो, तो सब लोग अपना अच्छे से शादी ब्याह करते हैं। और लोगों का ये सपना भी होता है कि भाई चलो मेरी बहन की शादी है बहुत धूमधाम से होगा। और जब किट्टो की शादी नहीं हुई थी तो हमने खुद बोला था कि मैं तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करूँगा, और मैंने किया। और कितना पैसा लगा गाइस ये सब कहने वाली बात नहीं है,
क्योंकि ये शौक था हमारा। अगर पता है हम भी चाहते गाइस कि हम पैसा रख सकते थे, क्योंकि बाद में मेरी भी शादी थी, फ्यूचर था, तो पहले तो फिक्स नहीं था, लेकिन आगे इंसान अगर सोचता तो वो भी रख सकता था। शादी की हमारी बात तो हो रही थी पर हाँ, तो मैं भी चाहता तो कुछ पैसे बचा के था, लेकिन नहीं। तो मेरी खुशी थी और जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से किया। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि कितना पैसा लगा कितना नहीं लगा, ये तो गाइस पता है फिर बेकार है सब कहना। बस करके कह दो तो बेकार है ना, क्या मतलब है फिर करके कहना, वही बात है ना। तो आप लोग प्लीज ऐसा कमेंट मत करिए किसी को कि तुम्हारे भाई ने ऐसे किया। ठीक है यार, भाई ने किया, भाई जानता है, माँ बाप जानते हैं, बहन जानती है। मेरा बस यही कहना था कि आप लोग भी इस जिम्मेदारी को निभाएं और अपने बहन की शादी को और यादगार बनाएं। और जैसा हम लोगों ने शादी किया था ना, आज बहुत तारीफ होता है। सिस्टर की शादी थी तो पापा मम्मी भाई सब लोग मिल के किए हैं भाई, हम अकेले के थोड़ी ना किए हैं। इतना भी हमारे पास पैसा नहीं था कि हम सब कुछ कर दें, जितना था लेकिन लगाएं और कह नहीं सकते हम, लेकिन सबका योगदान है इसमें, मेरा अकेले का हाथ नहीं है। तो चलिए बस यही कहना था आप लोगों से, और आप लोग से मिलते हैं एक अच्छे नए नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैंने आप लोग की गलत फहमी दूर कर दी, तो आप लोग बताना मैंने सही किया नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हाँ कि मैंने पूरा इतना खर्च, देखो ये सब चीज़ें बोलने के लायक नहीं होता है, आप बोल दोगे तो फिर मज़ा नहीं होता है। बस भाई सबका शौक होता है, मेरा भी शौक था, मेरे घर वालों का शौक था, सब ने किया और आज सब अच्छे से हैं। और मैं क्या बोलूँ, बाकी आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।